असलम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अब्दुल्ला की नाइस अकेडमी की लाइव क्लासेज हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ है हमने, और प्रीवियसली हमने इसमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया था। एम्पियर्स लॉ पढ़ा था कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है, तो जरा उसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे बता देता हूँ कि एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। आमतौर पर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेट द एम्पियर्स लॉ एंड डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करनी है कि सोलेनोइड होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन के मुताबिक जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड है एक टाइटली वाउंड वायर जिसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज होंगे, ठीक है, और वो किसी यूनिट लेंथ के अंदर मौजूद होंगे, दैट मीन्स पर यूनिट लेंथ से लिख देता हूँ। तो इसी बात को डायग्राम की सोच में बता देते हैं। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 13 में रियोस्टैट के ऊपर वायर को बाइंड किया था, वैसे ही कोई इंसुलेटर होगा, और इंसुलेटर कोई मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे कोई कंडक्टर, कोई इंसुलेटर होगा जिसके ऊपर हमने वायर को बाइंड करना है। पर अब की बार नंबर ऑफ टर्न रियोस्टैट की निस्बत बहुत ज्यादा लार्ज भी हो सकते हैं, उसके इक्वल भी हो सकते हैं, और उससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेंथ के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि कुछ नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने किस तरह से शो करने हैं, वो इस तरह से शो करने हैं कि यहाँ पे इस तरह के ऊपर एक वायर मौजूद है, मैं नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से मौजूद है, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और यहाँ पे ये सोलेनॉइड किसी बैटरी के साथ अटैच होगी। ठीक है, तो बैटरी को फिलहाल तो मैं इस डायरेक्शन में बता रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ कि ये डायरेक्शन रखनी है कि नहीं रखनी। यहाँ पे इस जगह के ऊपर स्विच लगी है। अब बच्चों, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो राइट हैंड ग्रिप रूल है, उस राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से राइट हैंड में ग्रिप करते हैं कि थंब कन्वेंशनल करंट के पॉइंट को पॉइंट आउट करे, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इसी तरीके से अगर आपको कर्ल और आपकी जो फिंगर्स का कर्ल है वो करंट घूमने की डायरेक्शन बताए, तो थंब क्या बताता है, थंब आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बात हमने यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना के भी रिप्रेजेंट की थी कि अगर सर्कल में करंट इस तरह घूम रहे हैं तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरफ बनेगी, तो मुझे फिलहाल यहाँ पे रिप्रेजेंट ये करना है कि नॉर्थ इस तरफ बन रहा है और साउथ इस तरफ बन रहा है। तो इसका मतलब है मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ शो करनी है, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि यहाँ पे करंट में इस तरह घूमना है। अगर करंट इस तरह घूमेगा तो इसका मतलब है उसने यहाँ से एंटर होना है और इस तरह घूमते घूमते यहाँ इस जगह से एग्जिट हो जाना है। तो उस तरफ नॉर्थ बनाने के लिए यहाँ से करंट आई ने एंटर होना है और यहाँ से करंट आई ने एग्जिट होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है और इस जगह के ऊपर बनाना है नेगेटिव। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक सोलेनॉइड बन जाएगी जिसमें इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मौजूद होंगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के एक्सिस के अलॉन्ग, सेंटर के अलॉन्ग, ये जो एक्सिस लाइन है इसके अलॉन्ग बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, और हम ये कंसिडर करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे सोलेनॉइड के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे ये तमाम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये सोलेनॉइड के अंदर इक्वली स्पेस है। ये सोलेनॉइड के अंदर किस तरह से है, इक्वली स्पेस है। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एक पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, लेकिन किसी नॉर्थ पोल को आप अकेला नहीं बना सकते, जब भी नॉर्थ बनाओगे तो साउथ लाजमी बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी मैग्नेट के अंदर इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही लूप कंप्लीट करेंगी।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही लूप कंप्लीट करेंगी. सो किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, और इसके अलावा ये मैग्नेट से बाहर ये किस तरफ होती है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. तो किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ तक होती है, जैसे कि यहाँ पे बनाया साउथ से नॉर्थ की तरफ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और बाहर ये लूप कम्प्लीट करेंगी, और कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पे वापस आने लगेंगी. ये जो सेंट्रल लाइन है, जब आप इसको जूम इन करोगे तो इसमें से भी बहुत सारी लाइन मिलेंगी और वो भी लूप कंप्लीट करके वापस आने लगेंगी. तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है ना, वो एग्जिस्ट कर सकता है. इस बात का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक मोनोपोल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक नेगेटिव पॉइंट चार्ज कहीं अकेले अकेले एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता. उसकी वजह क्या है कि अगर आप यहाँ पे किसी जगह के ऊपर मौजूद मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ है उसको दरमियान से तोड़ दो हिस्सों में तकसीम कर दो, तो फिर ये क्या बनेगा? फिर ये बन जाएगा नॉर्थ साउथ यहाँ पे, और इधर बन जाएगा नॉर्थ साउथ यहाँ पे. आप इसको मजीद तोड़ते चले जाओ, आप एक एटम तक भी पहुंच जाओगे, उसके एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच जाओगे, तो वहां जाते हुए भी आपको नॉर्थ साउथ दोनों पोल्स मिलेंगे. एक अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी लूप कंप्लीट करती है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सीधी चलती चली जा रही हो, ठीक है, और उसको कहीं घूम के दोबारा वापस पॉइंट पे आना ना पड़े. मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप कंप्लीट करती हैं और मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते. तो इसी तरीके से यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर बनने वाले भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कॉन्टिन्यूस है और ये यहाँ पे लूप कम्प्लीट करती है, ठीक है. अब इस सारी डिस्कशन के बाद हमने क्या करना है? हमने इसका एक लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लेना है. लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई? अगर ये मैं लेक्चर में कहता हूँ कि ये मार्कर है, मैं इसको दरमियान में इस पॉइंट से कट कर लूंगा, तो यहाँ पे आपको इस जगह के ऊपर जो एरिया नजर आएगा उसे एरिया क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है, और वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर होता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस मार्कर को इस जगह से कट करना शुरू करूँ और कट करते करते यहाँ पे ले आऊँ, फिर जो मार्कर दो हिस्सों में तकसीम होगा उसे क्या कहेंगे? उसे लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कहेंगे. फिर से बता रहा हूँ, अगर इस मार्कर को यहाँ से कट कर लूँ तो इस तरह का ही एक एरिया आपको मिलेगा और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से इस जगह से कट करूँ तो इस जगह से कट करने के बाद जो एरिया आता है उसे लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है. या आप क्रॉस सेक्शन ना हो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन उस वर्ड के साथ है, आप इसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कह लो, ठीक है. तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आएगा उसकी तस्वीर बना रहा हूँ. तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये आपका कोई कोर होगा जो मैग्नेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है. इसके ऊपर आपने वायर बाइंड की हुई है. देखो यहाँ पे ये वाली वायर यहाँ से अंदर जा रही है और इधर जाके इस पॉइंट से बाहर आ रही है, उसके बाद इस पॉइंट से फिर से अंदर जा रही है और इस पॉइंट से फिर से बाहर आ रही है. इसका मतलब है यहाँ पे जो लूप वाइंड है उस वाइंडिंग की स्ट्रेंथ इस तरह से है. तो ये जो लूप्स हैं ये सोलेनोइड में इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहे हैं और इस पॉइंट से अंदर की तरफ जा रहे हैं. तो ये जो बाहर आते हुए जितने पॉइंट्स हैं इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ. इस तरीके से किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है. और जो जहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है वहां पे क्या शो कर रहा हूँ? वहां पे क्रॉस शो कर रहा हूँ. और क्रॉस के जगह सर्कल करना लाजमी है, क्रॉस के जगह सर्कल करना लाजमी है, ठीक है. सो क्रॉस के जगह जब हम सर्कल कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये करंट पास है, अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है. बच्चों इसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है, इसके बाद सोलेनोइड के अंदर जो सेंटर में एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं यहाँ पे इन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और ये कह रहा हूँ कि ये जो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म है, इक्वली स्पेस्ड है. सोलेनोइड के बाहर जाके एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है. ये सोलेनोइड से बाहर जाके एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे के करीब आना हो तो आती है. तो लेकिन यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर ये तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्म है और इक्वली स्पेस्ड. अब जारी बात है कि इन लूप्स ने आगे जाके लूप कंप्लीट भी करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, लेकिन सोलेनोइड के एक्सिस के लॉन्ग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन है, ये दूसरे से यूनिफॉर्म फासले के ऊपर मौजूद हैं और सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो रही. बच्चों अब यहाँ पे हमने एक कंसिडरेशन ये लेनी है कि चूंकि किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत करीब होती है और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही ज्यादा फासले पे होती है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई और लाइन भी बना तो वो यहाँ पे इस तरह से लूप कंप्लीट करेगी, लेकिन क्योंकि बाहर वाला फासला बहुत बड़ा है और अंदर वाला फासला बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पे ये अजम्पशन लेनी है कि किसी भी
सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो है। हमने आसानी के लिए एक सपोजिशन ले ली है, वो क्या कि इस सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो है। इस सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो जीरो है। तो यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, हमने बताया सोलेनॉइड क्या होती है और इसके अलावा उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कट किया। बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर ये कोर है और इसके गिर्द में इस तरीके से वाइंडिंग करता चला जाऊं और वाइंडिंग करने के बाद जो एक क्वाइल बनेगी उसको सोलेनॉइड कहते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे एक ही जगह पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न वाइंड करते चले जाऊं तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह की लूप बनेगी, ठीक है, इस तरह की लूप बनेगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज क्वाइल। तो भाई अगर आप वाइंडिंग करने के साथ साथ आगे चल रहे हो तो ये सोलेनॉइड है, अगर एक ही जगह पे वाइंडिंग किए जा रहे हो और वहां पे क्वाइल बना दी है तो वो फिर हेल्महोल्ट्ज क्वाइल कहलाती है। लास्ट दोनों के सेम होते हैं, जो मैं फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करूंगा वो इधर भी अप्लाई होगा और वो हेल्महोल्ट्ज क्वाइल के ऊपर भी अप्लाई होगा। अब अगली बात स्टार्ट होगी वो होगी मैथमेटिकल डिस्कशन की। और मैथमेटिकल डिस्कशन में हमने क्या करना है, हमने कहना है कि एम्पीयर्स लॉ क्या होता है, हमने कहना है कि एम्पीयर्स लॉ के मुताबिक जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल आई, फिर आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज टू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इस फॉर्मूले की बात करनी है और कहना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें टू डायमेंशनल एम्पीरियन पाथ बनाना पड़ता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ एलिमेंट में एंगल 0, 90 और 180 के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए अब मुझे यहाँ पे इस तरह के ऊपर एक एम्पीरियन पाथ बनाना पड़ेगा और मैं वो एम्पीरियन पाथ बना रहा हूँ एक रेक्टेंगल की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की सूरत में हमारे पास एक एम्पीरियन पाथ है और इस एम्पीरियन पाथ में पहली लेंथ की डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरी लेंथ इस डायरेक्शन में है, तीसरी लेंथ इस डायरेक्शन में है और चौथी लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से जो ये वाली लेंथ है इस लेंथ को मैं कहूंगा एल वन वैक्टर, क्या होगी ये एल वन वैक्टर होगी, ये वाली लेंथ L2 वेक्टर होगी, ये लेंथ L3 वेक्टर होगी और ये लेंथ क्या होगी, ये होगी L4 वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को भी नाम दे सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो बच्चों अब ये इस बात से मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आपने एक लूप एनक्लोज किया है, चार लूप एनक्लोज किए हैं, जिस तरह से गॉस लॉ के केस के अंदर चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे, हम एक चार्ज एनक्लोज करके बाद में उसकी जगह सरफेस चार्ज एंट्री पुट करके पूरी प्लेट की बात कर लेते थे, वैसे यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर मैं फिलहाल एक लूप भी एनक्लोज करूँ तो बाद में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डाल के मैंने तमाम नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर दी, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, इवन आप एक लूप को भी एनक्लोज कर लो तो बाद में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाली टर्म इंक्लूड करके पूरी सोलेनॉइड की बात कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, इस साइड को सॉल्व करना है जो कि है आई इज इक्वल टू वन टू एन बी डॉट डेल्टा एल आई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमारे पास जो लेंथ है उनके चार स्ट्रेट पाथ्स हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो पाथ है ये क्या बनेगा, यहाँ पे आई वन से लेके फोर तक आएगा, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ये फर्दर किसके को लाएगा, ये को लाएगा बी डॉट डेल्टा एल फॉर साइड ए बी प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर साइड बी सी प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर साइड सी डी प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर साइड डी ए। ये चार साइड बन रही है तो इन चार साइड के ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आई स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू एन बी डॉट डेल्टा एल आई है और आपको पता है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये फैक्टर क्या बनेगा, ये फैक्टर बनेगा बी डेल्टा एल वन कॉज ऑफ जीरो डिग्री। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, लेंथ L1 भी इस तरफ है, तो इस हिसाब से इसका एंगल जीरो बनता है। लेकिन जो अगली लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाती है, जो साइड BC है उसमें लेंथ L2 है और वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे लिख दोगे कॉज ऑफ 90 डिग्री। फिर आप लिखोगे B डेल्टा L3, ये वाली साइड है, ये L3 इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ 180 डिग्री आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे जीरो पुट कर दोगे। क्यों, क्योंकि हमने एक सपोजिशन ली हुई है कि किसी भी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वीक है,
के हमने उसको जीरो कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ साइड है उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एल फोर और साथ लिखा जाएगा कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो इस हिसाब से बन जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन बी डॉट डेल्टा एल आई, गरीब बात है यहाँ पे 4 लिखना है हमें। तो ये पूरी टर्म्स में सिर्फ पहली साइड कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, ये वाली साइड, ठीक है। और आप यहाँ पे इसे लिख लीजिए डी डेल्टा एल वन और प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और फर्दर इधर आपका आंसर आ रहा है। जी जी पूछिए। स्क्रीन ब्लर हो गई सर। जी ब्लर हो गई है जी सर। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से सिर्फ एक साइड ने कंट्रीब्यूट किया और बाकी तमाम साइड ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसके अलावा चूंकि इन साइड्स को मैंने L1 का सिंबल दिया है, डेल्टा L1 का सिंबल नहीं दिया, तो आप इन टर्म्स से फिर डेल्टा का साइन हटा ही सकते हैं। लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही रहना है। लेकिन बुक की टर्म में आंसर लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ये डेल्टा के साइन हटा लेनी है। और वेक्टर साइन भी किसी के ऊपर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट वो सॉल्व हो चुका है और कॉस खुद कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर वेक्टर साइन नहीं आना। तो इस हिसाब से ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी एल वन। सो इस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन की एक साइड है इसमें आई वन से स्टार्ट होके फोर तक जा रहा है वो इक्वेशन क्या शेप गेन कर चुकी है, वो शेप अब बी एल वन के इक्वल आ चुकी है। तो इससे एम्पीयर लॉ क्या शेप अख्तियार कर लेगा उसकी बात करते हैं। सो ये जो इक्वेशन थी आई स्टार्ट फ्रॉम वन गोज टू फोर बी डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये किसके इक्वल बन जाएगी, ये बन जाएगी बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्वेश्चन नंबर वन है और ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन वन लूप इज एनक्लोज्ड विद इन एम्पीरियन पाथ। अगर एम्पीरियन पाथ में एक लूप हो तब ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है, और अगर एम्पीरियन पाथ में दो लूप्स हों, तीन लूप्स हों, चार लूप्स हों, पांच लूप्स हों या एन लूप्स हों फिर क्या बनेगा, ठीक है। अगर एम्पीरियन पाथ में एन लूप्स हों तो फिर क्या बनेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इस जगह पे ये बात बताई कि कैसे अगर एक लूप एम्पीरियन पाथ में एनक्लोज हो तो ये क्वेश्चन होती है, उसके बाद अब मैंने ये बताना है कि फॉर एन लूप्स एनक्लोज्ड विद इन एम्पीरियन पाथ हैं तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो भाई जब एक लूप एम्पीरियन पाथ में से गुजर रही है तो कम करंट गुजर रहा है एम्पीरियन पाथ से, लेकिन अगर यही वायर घूम के दूसरे लूप के अंदर फिर यहाँ से एम्पीरियन पाथ से गुजरती है तो फिर ये जो एम्पीरियन पाथ है ये ज्यादा करंट एनक्लोज कर रहा है और उस हिसाब से यहाँ पे आई के साथ एन आना चाहिए। दैट मीन्स एक एम्पीरियन पाथ में से अगर वायर एक दफा गुजर रही है तो यहाँ पे म्यू नॉट आई, ठीक है, लेकिन अगर वही वायर घूम के दोबारा से गुजर रही है तो एम्पीरियन पाथ के अंदर एनक्लोज करंट डबल हो रहा है, और अगर n टाइम्स गुजर रही है तो करंट एनक्लोज विद इन एम्पीरियन पाथ n टाइम्स आई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बन गई है, इस हिसाब से बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर l1 i। और जनरल इक्वेशन क्या बनाओगे, जनरल इक्वेशन बनाओगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई, और यहाँ पे l1 क्या था, l1 एम्पीरियन पाथ की ये लेंथ थी, लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनोइड तो अब ये क्या है, अब ये सोलेनोइड की लेंथ है क्योंकि अब मैंने तमाम टर्म्स एनक्लोज कर ली हैं तो ये एम्पीरियन पाथ की ये वाली साइड मुझे एक्सटेंड करके पूरी सोलेनोइड तक फैलानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये फाइनल इक्वेशन है जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात बता रही है, जहां पे आपको पता है कि यहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, 1 ओवर मीटर, दैट मींस मीटर माइनस 1, और इसके डायमेंशंस l माइनस 1 की आएंगी। तो अगर आपने यहां पे n के कोई यूनिट्स ना लिखे तो ये दोनों साइड बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहोगे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट मींस कोई मैग्नेटिक कोर है, तो मैग्नेटिक कोर की सूरत में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक कोर की सूरत में फॉर्मूला बन जाएगा d इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई, या फिर म्यू नॉट म्यू आर को मिला के आप म्यू एम एन आई कह लें, तो ये हमारे पास मीडियम कोर की सूरत में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड का फॉर्मूला है। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर? जी जी पूछिए सर। ये एमपीएन पार्क में ज्यादा लूप्स किस तरह होंगी, मतलब ये खुद बनाया ना आपने, मतलब लेंथ तो खुद ली है इसकी? भाई अभी तक जो मैंने डेरिवेशन की है वो मैंने सिर्फ एक लूप को इंपोज करने दी, मैंने कहा यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, ये अगर एक ही वायर करंट लेके बाहर आ रही है तो इसके लिए जिसका का मर्जी पाथ बना लो, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे उसका एक्सप्रेशन बी एल वन म्यू नॉट आई होगा, ठीक है। लेट से ये 10 एम्पियर करंट है जो कि एम्पीरियन पाथ ने इंक्लोज किया हुआ है, अगर यही वायर घूम फिर दोबारा से पीछे से फिर इसके अंदर से गुजर रही है तो अब ये करंट कितना हो गया है, अब ये करंट हो गया है 2 times 10 ampere, दैट मींस 20 ampere, एम्पीरियन पाथ ने करंट डबल कर दिया, दैट मींस एम्पीरियन पाथ का करंट, एक ही करंट दो दफा गुजरा है तो एक ही करंट की दो मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मजीद बढ़ते चले जाते हैं तो भाई हर नंबर ऑफ टर्न के साथ, हर नए आने वाले नंबर ऑफ टर्न के साथ वही करंट घूम के इस लूप से दोबारा गुजरता है, और वही करंट जब इस लूप से दोबारा गुजरता है तो अपने साथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड लेकर दोबारा गुजरता है, और नतीजा क्या होता है कि उसकी डिस्क्रिटी में मैग्नेटिक फील्ड एड अप होती चली जाती है, होती चली जाती है, और यहाँ पे करंट के साथ आपको एन भुगतना पड़ता है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल 14.3 है। क्वेश्चन है, अ सोलेनोइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो लेंथ इज 15 सेंटीमीटर या फिर 0.150 मीटर एंड हैज 300 टर्न्स। A current of 5 ampere flows through it. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? So required क्या है? Required है magnetic field inside the solenoid. और जारी बात है आम केसेस के अंदर core material vacuum लिया जाता है, तो इसलिए formula B is equal to mu naught n I होगा, जिसे further आप mu naught n over l I लिखो। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 4 pi × 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो है 300, लेंथ कितनी है वो है 0.150, करंट कितना है, करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, मैग्नेटिक फील्ड बनती है जी 1.3 × 10⁻²⁺ या फिर वेबर पर मीटर के जैसे मर्जी। Page 58, side information, do you know? यहाँ पे क्या बताया गया है? Two long parallel wires carrying current I1 and I2 in opposite direction repel each other
and the wires be attract each other when the currents are in same direction. Iski reasoning karni hai. Let's say main yahan pe kehta hu ki is tarah ke upar do wires hain jinme current same direction mein flow kar raha hai. Right hand rule ke mutabik is wire ki wajah se magnetic field is tarah banegi, yahan pe andar ki taraf jayegi, yahan pe bahar ki taraf. Isi tarike se yahan pe andar ki taraf jayegi aur yahan pe bahar ki taraf. Natija kya hoga? नतीजा ये होगा कि इंटरैक्टिंग रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नतीजा क्या होगा? साइडों में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इंटरैक्टिंग रीजन में वीक होगी, ये बार एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगी. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा. अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे इस वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस जगह पे अंदर की तरफ है उसके अंदर ये वायर रखी गई है. That means this wire, wire two is current carrying plate inside magnetic field of wire one. ठीक है? So इस force, इस wire number two के ऊपर force कितनी लगेगी? उसके लिए आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है इसमें से पास करने वाला करंट, इसकी लेंथ और ये किस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है? वायर नंबर वन की. ठीक है, और साइन अल्फा क्या है? साइन अल्फा ये है कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है इसका और इस लेंथ का एंगल कितना है. ठीक है, जो फिलहाल ये केस के लिए 90 है, अदर केसेस के लिए कुछ और भी हो सकता है. फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पे एम्पीयर्स लॉ की मदद से ये जो बी वन का फॉर्मूला है ये क्या निकाला है? ये निकाला है म्यू नॉट आई वन इज इक्वल टू टू पाई आर. तो ये फार्मूला इधर पुट कर दें तो एफ टू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ टू का फॉर्मूला बन जाएगा आई टू एल टू म्यो नॉट आई वन ओवर टू पाई आर, जहां पे आर ये वाला फासला है. ठीक है, और साथ लिखा होगा साइन अल्फा. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ टू इज इक्वल टू, रीरेंज कर लें, म्यो नॉट ओवर टू पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, लेंथ है ये. ठीक है, साथ एल टू लिखा होगा, इधर लिखा होगा आई वन आई टू, और साथ लिखा होगा साइन अल्फा. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, अच्छा इसके दरमियान में आप यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव साइन भी शो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेट ये करंट कैरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कैंसिल आउट होने और अट्रैक्शन ही होनी. लेकिन अगर मैं उसके बरक्स ये कहूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये वायर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि यहाँ पे इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, यहाँ बाहर आएगी, और इसमें यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही होगी, यहाँ पे बाहर आ रही होगी. इंटरैक्टिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी और जो साइड वाले रीजन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, तो ये वायर्स क्या करेंगी? रिपेल करेंगी. ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली. अच्छा, यहाँ पे एक और काम भी करना था मैंने, वो ये कि ये जो फार्मूला था ये तो दोनों केसेस के लिए जैसे मर्जी अप्लाई कर लो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब बताओ वायर नंबर वन के ऊपर वायर नंबर टू की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लग रही है, तो आपने लिखना है एफ वन इज इक्वल टू आई वन एल वन बी टू साइन अल्फा. दैट मीन्स ये वायर कितना करंट कैरी कर रही है, इसकी लेंथ क्या है, और वायर नंबर टू की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है जो इस तरह से आ रही है जो कि इस रीजन में बाहर की तरफ है, दैट मीन वो इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. तो इस हिसाब से जब एफ वन की फोर्स निकालनी हो तो सब चीजें आपने वायर नंबर वन की लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वायर नंबर टू की पुट कर दी है. तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आई वन एल वन म्यू नॉट आई टू ओवर टू पाई आर, जहाँ पे आर दोनों का दरमियानी फासला है, और ये फॉर्मूला बनेगा एफ वन इज इक्वल टू सेम वैसे म्यू नॉट ओवर टू पाई आर एल वन आई टू. ठीक है, और साथ क्या होगा? साथ होगा साइन अल्फा. ठीक है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला भी वही है जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा था. तो इसका मतलब है जिस फोर्स से वायर नंबर वन टू को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी उसी फोर्स से वायर नंबर टू भी वायर नंबर वन को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी. आई होप क्लियर हो गया होगा. उसके बाद पेज नंबर 63 पे आइए. पेज नंबर 63 के ऊपर डू यू नो लिखा हुआ है द करंट लूप कैन बी इमेजिन टू बी अ फैंटम मैग्नेट ऑफ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये हम बात पहले भी कर चुकी हैं कि अगर हमारे पास एक लूप हो करंट कैरिंग तो उसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आती है, और यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आए तो बोर्ड से बाहर नॉर्थ और अंदर की तरफ साउथ बनता है. तो ये एक जो करंट कैरिंग लूप है ये बार मैग्नेट की तरह से सोची जा सकती है. वो बार मैग्नेट जो यहाँ पे है ही नहीं,
तो इसलिए इसे फैंटम बार मैग्नेट कहते हैं, फैंटम का लफ्ज़ी मतलब भूत होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास दो वायर्स ऐसी हों जो लूप्स ऐसी हों जो कि एक दूसरे के सामने प्लेस हों, दैट मीन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये एक लूप मौजूद है, ठीक है, ये एक लूप है मौजूद है जो कि करंट कैरी कर रही है, और ये करंट इस तरह कैरी कर रही है, और साथ एक और लूप भी मौजूद है जो कि इसी सेंस में यहाँ पे करंट को कैरी कर रही है, और यहाँ पे इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इसके साथ ज्वाइन करते हुए इधर तक आ रहा है, और यहाँ से इस तरह से शो कर रहा हूँ। और ये बात बताने का मकसद क्या है, ये बात बताने का मकसद ये है कि ये दोनों लूप्स इस तरह पड़ी हुई है, ये दोनों लूप्स इस तरह पड़ी हुई है, तो भाई यहाँ पे इस वाली लूप का यहाँ बनेगा नॉर्थ, इधर बनेगा साउथ, इधर बनेगा नॉर्थ, इधर बनेगा साउथ, तो बताइए ये वार्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, साउथ और नॉर्थ जो किसी भी मैग्नेट के होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। और इसके बरक्स अगर यही वायर्स इस तरह से पड़ी हुई हों, मतलब ये वाली वायर्स इस तरह पड़ी होने के बजाय इस तरह पड़ी हुई हों, फिर दोनों के नॉर्थ बाहर की तरफ आ जाएंगे और फिर वो रिपेल करेंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊंगे, यहाँ पे ये लूप्स हैं जिसमें एक करंट इस डायरेक्शन में और दूसरी करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, फिर यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। नॉर्थ इस तरफ क्यों, क्योंकि अब करंट इस तरह घूम रहा है और नॉर्थ उस तरफ को है, तो इंटरेक्टिंग रीजन में क्योंकि साउथ साउथ है और ये रिपेल करते हैं, तो इस वजह से इन दोनों लूप्स ने दूसरे को रिपेल करना है। हाँ, अगर ये दोनों लूप्स इस तरह पड़ी होने के बजाय इस तरह से पड़ी हुई होंगी तो इसका नॉर्थ बाहर आएगा और इसका साउथ बाहर आएगा, तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बातें सारी डिस्कस कर ली है, कब अट्रैक्शन होनी है और कब रिपल्शन होनी है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, अदरवाइज लेक्चर को माइंड अप करेंगे आप। ओके बच्चों, आज के लेक्चर को यहाँ पे माइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था।